हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस और आज तारीख है हमारी 24 जुलाई। तो 24 जुलाई का द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस आप देखना शुरू कर चुके हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो की PDF के लिए आपको लॉग ऑन करना है amantrivedi.com पे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फली आपको जाना है amantrivedi.com पर और बस आपको उसमें एंड जैसे ही आप ओपन करोगे उसके सामने आपके कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जहां से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं कर रखा है तो फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए फेसबुक पर सर्च कीजिए @trivediaman25, तो आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा और आसानी से आप लाइक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मेरा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट PDF होती है या जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए जिससे कि आपको आगे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरा ये कोर्स चल रहा है जो कि 15 जुलाई से शुरू हुआ है, तो यानी कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, 4 बजे से 6 बजे तक की इसमें क्लासेस होती हैं और 2 घंटे की हमारी क्लास होती है। पूरा कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश का फॉर CGL Tier 2 एंड CGL 2019। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनअकैडमी प्लस को। सब्सक्राइब करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस पर जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, आप 12 मंथ का ऑप्शन चूज करेंगे तो ये 5000 का है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रेफरल कोड एंटर करेंगे जो कि है अमन त्रिवेदी, अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्रेडिट्स में हैं आपके, उनको अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ये 5000 का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ये 5000 से घटकर आपके पास कुछ 4000 के आसपास बन जाता है। जितने ज़्यादा क्रेडिट्स होंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सीधे सीधे कोड डालने से तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद आप सिर्फ मेरे ही कोर्सेज नहीं देख पाएंगे, जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं सभी के सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस फॉर द रेगुलर क्लासेस एंड फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को जिसमें हम बात करने वाले हैं आज की वोकैबुलरी के बारे में। तो दिस इज द टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वोकैबुलरी। तो पहला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सोनिया गांधी जी की तस्वीर छपी है और लिखा है सेंटर इज बेंट ऑन सबवर्टिंग RTI एक्ट सेज सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी ने कहा है कि सेंटर क्या है, सेंटर इज बेंट ऑन, ठीक है, किसके लिए, सबवर्ट करने के लिए RTI एक्ट को। तो दो शब्द हमें यहां से मिलते हैं, एक होता है बेंट ऑन, एक होता है सबवर्ट करना। तो पहला मतलब क्या है बेंट ऑन का, बेंट ऑन का मतलब होता है डिटरमाइन टू डू समथिंग यूजुअली समथिंग बैड, यानी कि कुछ करने के लिए डिटरमिंड होना, दृढ़ निश्चयी होना कि आप ऐसा करके ही मानेंगे। तो किसी चीज को करने के लिए अगर आप दृढ़ निश्चयी हो, एकदम फिक्स हो कि ये मैं करके ही मानूंगा, उसे कहते हैं बेंट ऑन होना, ऑन समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा शी सीम्स बेंट ऑन मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर मी, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरी लाइफ डिफिकल्ट करने के लिए बेंट ऑन है। तो बेंट ऑन या हेल बेंट का मतलब होता है कुछ कार्य करने के लिए एकदम दृढ़ निश्चय होना, एकदम होना कि हाँ करके ही मानेंगे। दूसरा idiom जो बेंट ऑन से रिलेटेड आता है वो है आपका गेट और बेंट आउट ऑफ शेप, गेट बेंट आउट ऑफ शेप। इसका मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, एंग्री होना, एंग्शियस होना या अपसेट होना, ठीक है, टू बिकम एंग्री, एंग्शियस और अपसेट। फॉर example मतलब हो गया डोंट गेट बेंट आउट ऑफ शेप अबाउट इट, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, यानी कि अब प्लीज़ गुस्सा मत होइए इस बात से गुस्सा मत होइए, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, ये छोटी सी एक मिस्टेक थी। तो गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब हो जाता है एंग्री, एंग्शियस या फिर अपसेट होना। अगला शब्द हमारा है यहाँ पर सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब क्या होता है, सबवर्ट इज अ वर्ब, मीनिंग होता है टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी ऑफ अ पॉलिटिकल, रिलीजियस एक्सेट्रा सिस्टम बाई अटैकिंग इट सीक्रेटली और इनडायरेक्टली, यानी कि किसी अथॉरिटी, किसी पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस सिस्टम को खराब करना, अंडरमाइन करना धीरे से, चुपके से या फिर इनडायरेक्टली से तरीके से, उसके लिए आता है सबवर्टिंग। तो यानी कि यहाँ पर जो कह रही हैं सोनिया गांधी जी, कह रही हैं कि सेंटर बेंट ऑन है, यानी कि सेंटर इज हेल बेंट ऑन कि वो ऐसा करके ही मानेगा, किसके लिए, RTI एक्ट को सबवर्ट करने के लिए। सबवर्ट करने का मतलब क्या हो गया, RTI एक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका जो सिस्टम है, उसका जो एक स्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करने के लिए वो कर रहा है, तो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया। डन, चलिए। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आज रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया है। इसके अलावा आपका वीडियो कल यानी 25
26 और 27 ये तीन दिन बंद रहेगा, और संडे को तो वैसे ही नहीं आता है हमारा वीडियो, तो संडे को तो नहीं आएगा। 25, 26 और 27 ये तीन दिन आपका वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मैं कानपुर शहर में नहीं हूँ, ठीक है। मैं कहाँ हूँ आपको जल्दी पता लग जाएगा, लेकिन 25, 26, 27 को मैं कानपुर में नहीं हूँ, इस वजह से आपको मेरा वीडियो नहीं मिलेगा। अगला कहता है हमारा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईडी एग्जामिनिंग केसेस ऑफ लैंड ग्रैब अगेंस्ट द एसपी लीडर आजम खान, यानी कि आजम खान के अगेंस्ट जो लैंड ग्रैब के केसेस हैं, यानी कि जो भूमि माफिया के केसेस हैं, वो एग्जामिन करने वाला है ईडी, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अगला कहता है यूएन ऑन एनवॉय ऑन क्लाइमेट चेंज लुइस अल्फोंसो डी अल्बा मीट्स जावेडकर, तो यहाँ पर टर्म आया है एनवॉय। एनवॉय क्या होता है? एनवॉय हम बोलते हैं किसे? एनवॉय बोलते हैं एक व्यक्ति को, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज सेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू टॉक टू अदर गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इज कॉल्ड एमिसरी और एनवॉय, जिसे हम हिंदी में दूत भी कह सकते हैं। तो ये उनके राजदूत हैं, राजदूत के लिए भी आता है आपका। तो अ पर्सन जो कि रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का, उसे कहते हैं एनवॉय। द प्रेसिडेंट हैज सजेस्टेड सेंडिंग अ यूएस एनवॉय टू मिडिल ईस्ट, यानी कि मिडिल ईस्ट में एक यूएस एनवॉय भेजने का सजेस्ट किया है प्रेसिडेंट ने। यूएस एनवॉय मतलब, यूएस पीस एनवॉय मतलब शांति दूत, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट मूव्स टू रेन इन फ्रॉडलेंट बिल्डर्स, तो टर्म आया यहाँ पर रेन इन। तो देखिए रेन ब्रिडल हार्नेस का मतलब क्या होता है? रेन ब्रिडल या फिर हार्नेस, तीन वर्ड होते हैं आपके, रेन ब्रिडल या फिर हार्नेस, इन तीनों का मतलब होता है आपका लगाम, जो घोड़े वगैरह की लगाम होती है उसे हम कहते हैं रेन ब्रिडल या फिर हार्नेस। तो रेन इन का मतलब क्या हो जाता है? रेन इन का मतलब हो जाता है टू स्टार्ट टू कंट्रोल समबडी और समथिंग मोर स्ट्रिक्टली, यानी कि चेक। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रॉडलेंट बिल्डर्स को हम और अच्छे से रेन इन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उन पर चेक लगाएंगे, यानी कि उन पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी, ये आपका वन नोट बंद हो गया है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ ठीक है, चलिए, सो इट्स बैक हियर। हाँ जी, सो वी वर हियर। तो रेन इन का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट कंट्रोलिंग, ठीक है, टू स्टार्ट टू कंट्रोल समबडी और समथिंग मोर स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड रेन इन, ठीक है। चलिए अगला टर्म आता है आपका इन डिसएरे, ये कहां पर लिखा है? देखो यहां पर इन्होंने लिखा है आपका हियर दे हैव रिटन व्हाट, देखिए यहां पर ये लिखते हैं कि दैट इज इन द इन डिसएरे। यहां पर डिसएरे का मतलब क्या हो जाता है? यहां पर लिख रहे हैं बोथ हाउसेज इन डिसएरे एज अपोजिशन डिमांड्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम पीएम। तो बोथ हाउसेज इन डिसएरे, बोथ हाउसेज इन डिसएरे का मतलब क्या हो गया आपका? बोथ हाउसेज इन डिसएरे, डिसएरे का मतलब हो गया स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिचुएशन और अ प्लेस, यानी किसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन की स्थिति होना और कुछ समझ नहीं आना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं इन डिसएरे होना, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्टेट और अ प्लेस इज कॉल्ड इन डिसएरे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसीलिए कि दोनों ही हाउसेज में क्या है, काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ, तो वो क्या है, इन डिसएरे हैं, यानी कि दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल। अगला यहां पर देखिए क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं नो सैंपल रिवेरिफिकेशन दॉ एज सुप्रीम कोर्ट टर्न्स डाउन प्लीज ऑफ सेंटर एंड असम। टर्न्स डाउन, तो मीनिंग क्या है यहां पर, टर्म क्या इस्तेमाल हुआ, टर्न समथिंग डाउन। टर्न समथिंग डाउन का मतलब हो जाता है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज टू कंसिडर एंड ऑफर अ प्रपोजल एटसेट्रा और द पर्सन हु मेक्स इट। To consider or refuse to reject or refuse to consider an offer a proposal etc. or the person who makes it. तो यानी कि turn something down का मतलब हो गया किसी चीज़ को reject कर देना, किसी चीज़ को मना कर देना। तो Supreme Court ने क्या किया है कि turn down कर दी है plea, यानी कि plea को reject कर दिया है, आपके याचिका को reject कर दिया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है टर्म आपका, turn something down। तो turn something down का मतलब क्या हो जाता है, to reject or refuse to consider an offer or proposal, ठीक है, किसी चीज़ को consider करने से मना कर देना। Example के तौर पे मैंने लिखा why did she turn down your invitation, यानी कि why did she reject your invitation। अब देखो turn से related और हम idioms देख सकते हैं, phrases देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है as things turned out, यानी कि जैसी चीज़ें बाद में होती प्रतीत हुई। तो as was shown or proved by later events is called as things
turned out. I didn't need my umbrella, so as it turned out because it didn't rain. यानी कि मुझे मेरे अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है क्योंकि एज इट टर्न आउट, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हुई इसलिए मुझे उसके अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है. तो एज इट टर्न आउट का मतलब होता है एज वॉज शोन और प्रूव बाई लेटर इवेंट्स, यानी बाद में जो हुआ उसके आधार पर जो चीजें होती हैं उसे कहते हैं एज थिंग्स टर्न आउट. ठीक है, अगला है, देखिए यहां पर क्या लिखता है, बी और वेल बैडली टर्न आउट. बी वेल या फिर बैडली टर्न आउट. बी वेल टर्न आउट मतलब अच्छा, बी बैडली टर्न आउट मतलब बुरा. तो किसी ड्रेस के लिए आता है. ठीक है, अगर आप कहो बी वेल टर्न आउट, इफ समवन सेज ही वॉज वेल टर्न आउट, तो यानी कि मतलब हो गया उसने अच्छे से ड्रेस किया हुआ था, नाइसली ड्रेस्ड, गुड ड्रेस्ड. और अगर कोई कहता है बी बैडली टर्न आउट मतलब अच्छे से ड्रेस नहीं किया था, बैडली ड्रेस्ड. ठीक, अगला देखिए यहां पर इस्तेमाल हुआ है सेडिशन टर्म. तो सेडिशन बहुत फेमस है, आप सभी लोग को पता होगा, जेएनयू सेडिशन केस. तो सेडिशन केस मतलब हो गया कोर्ट ग्रांट्स पुलिस मोर टाइम, यानी कि जेएनयू सेडिशन केस, जेएनयू में जो सेडिशन केस हुआ है. सेडिशन मतलब होता है देशद्रोह का आरोप. तो जो देशद्रोह का आरोप है उसमें पुलिस को और समय दे दिया गया है 2 महीने का. द यूज ऑफ वर्ड्स और एक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू एनकरेज पीपल टू अपोज और गवर्नमेंट और इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुल मिला के देशद्रोह के लिए आता है सेडिशन. अगला लिखा है यहाँ पर DDA ड्रॉ ऑफ लॉट्स फ्लैट्स इन नरेला गेट टेपिड रिस्पॉन्स. तो टेपिड मतलब क्या मतलब होता है, टेपिड का मीनिंग होता है स्लाइटली वार्म, लूक वार्म, समथिंग इन अ वे दैट इज नॉट प्लीजेंट. तो आप इसे ऐसे समझ लो गुनगुना. क्या मतलब है गुनगुना, मतलब बहुत किसी किसी चीज को टेपिड रिस्पॉन्स मिला, मतलब ठंडा रिस्पॉन्स मिला, कुछ खास एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसे कहते हैं टेपिड. ठीक है, अगला यहाँ लिखते हैं एलिंग नीलगाय डिक्लेयर डेड बाय वेट जू सिक सस्पिशन ऑफ ऑफिशियल. तो यहाँ पर एलिंग का मतलब होता है इल या फिर सिक, नॉट इम्प्रूविंग, जो बीमार है उसके लिए आता है इल, एलिंग आपका. और वेट का मतलब होता है वेटरनेरियन, मतलब हो जाता है वेटरिनेरियन, मतलब हो जाता है पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड इन द साइंस ऑफ एनिमल मेडिसिन, यानी कि जो जानवरों का डॉक्टर है उसे हम वेट या फिर वेटरिनेरियन कहते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टूडे एंड यहीं तक हम आज के वीडियो को रखेंगे. बाकी आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, अभी नेक्स्ट तो देखिए 25 और 26 और 27, ये 3 दिन तो हमारा वीडियो नहीं आएगा. तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 25, 26 और 27 को हमारा वीडियो नहीं आएगा, 28 का संडे है. तो नेक्स्ट वीडियो हमारा अब आएगा 29th को. ठीक है, और वीडियो रेगुलर है, अब बस यहाँ पर अब मेरा ये आपका थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ गया, इस वजह से यहाँ पर ये वीडियो डिसकंटिन्यू हो रहा है, अदरवाइज वीडियो हमारा रेगुलर रहेगा अब. ठीक है, सो लेट्स कीप इट टिल हियर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वेरी गुड डे अहेड. एंड आप अपना, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अटेंडेड जरूर लिखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो जरूर लिखिएगा. ऑल्सो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तीनों ही चीज़ें जरूर कीजिएगा. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.